नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करने वाला हूं। साथ ही बात करने वाला हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, दैट मीन्स लाप्लास ऑफ वन इज ऑलवेज वन अपॉन एस। तो हम इसे प्रूफ करेंगे कि लाप्लास ऑफ वन वन अपॉन एस होता है तो कैसे होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझना है कि लाप्लास का फॉर्म क्या होता है। लाप्लास का फॉर्म होता है वो हम लिखते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी डी टी सॉरी ई रेस टू पावर माइनस टाइम्स एस सी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, दैट मीन्स जिस फंक्शन का आपको लाप्लास लेना है वो फंक्शन आपका यहां लिखेंगे। ठीक है, और लाप्लासियन को हम लोग लाप्लास ऑपरेटर से L, ये हमारा लाप्लास ऑपरेटर है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सपोज मेरे को फाइंड आउट करना है लाप्लास ऑफ फंक्शन F, तो मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा कुछ इस तरह से, लाप्लासियन ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर लिमिट जीरो टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी डॉट फंक्शन ऑफ टी dt। ठीक है, अभी हम लोग इसी फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज सबसे पहले प्रूफ करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को प्रूफ करना है लाप्लास ऑफ वन वन अपॉन एस होता है, ये मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ वन आप कैसे लिखोगे, जीरो टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी डॉट वन, इस बार हमारा फंक्शन क्या है वन dt। ठीक है, That means इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी डी टी। करेक्ट, अभी हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर टी क्या होता है, ई रेस टू पावर माइनस एस टी ओवर, जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ई रेस टू पावर माइनस एस टी को तो इसका इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू पावर माइनस एस टी ओवर माइनस टाइम्स एस अंडर द लिमिट जीरो टू इंफिनिटी। फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, हम लोग माइनस टाइम्स वन अपॉन एस को यहां लिख लेंगे और इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ई रेस टू पावर माइनस इंफिनिटी एंड ई रेस टू पावर जीरो, ई रेस टू पावर माइनस इंफिनिटी दोस्तों होता है जीरो एंड ई रेस टू पावर जीरो होता है वन, दैट मीन्स कि माइनस टाइम्स वन हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा वन अपॉन एस माइनस टाइम्स मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस माइनस प्लस दैट इज वन अपॉन एस। तो दोस्तों इस तरह से हम लाप्लास ऑफ वन इज ऑलवेज वन अपॉन एस होता है हमने प्रूफ किया। अभी हम बढ़ने वाले हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, लाप्लास ऑफ टी रेस टू पावर एन क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं बात करने वाला हूं लाप्लास ऑफ टी रेस टू पावर एन, हम लोग को फाइंड आउट करना है लाप्लास ऑफ टी रेस टू पावर एन। तो हम लोग इसे किस तरह से करेंगे, जीरो टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ओवर अ रेंज ऑफ जीरो टू इंफिनिटी एंड ई रेस टू पावर माइनस एस टी t raise to power n dt, फंक्शन हमारा इस बार है t की पावर n। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग को करना क्या है कि हम लोग मान लेंगे सपोज s t equals to x मान लेंगे। ठीक है, तो इसे आप इस तरह से भी देख सकते हो t equals to x upon s, और इसे फर्दर अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा dx upon s, दैट मीन्स dt का वैल्यू भी हम लोग को मिल गया। हम इसे फर्दर यहाँ वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, तो जीरो टू इनफाइनाइट ई एस टू पावर एस टी को हमने माना है एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन एक्स एंड टी की जगह पे मैं लिखने वाला हूं एक्स अपॉन एस रेस टू पावर एन एंड डी एक्स डी टी को हम लोग लिखने वाले हैं डी एक्स ओवर एस। ठीक है, तो ये एस वाला पोर्शन हम लोग बाहर निकालेंगे, यहाँ एस एक्स एस की पावर एन है और यहाँ एस की पावर वन है, तो ये फाइनली जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा एस की पावर एन प्लस वन एंड जीरो टू इनफाइनाइट ई रेस टू पावर माइनस एक्स एंड एक्स रेस टू पावर एन डी एक्स। अब ये वाले फॉर्म को आपको बहुत केयरफुली याद रखना है, ये एक गामा फंक्शन का फॉर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन एस रेस टू पावर एन प्लस वन, इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व करते हैं उसका इंटीग्रेशन होता है गामा ऑफ एन प्लस वन, एंड गामा ऑफ एन प्लस वन को आप फर्दर लिख सकते हो n फैक्टोरियल ओवर
एस की पावर एन प्लस वन, तो यही होता है दोस्तों टी की पावर एन का लाप्लासियन। ओके अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, ई रेस टू पावर एटी का हम लोग लाप्लास कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ई रेस टू पावर एटी का लाप्लास मैं कैलकुलेट करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ई रेस टू पावर माइनस ई रेस टू पावर एटी डॉट ई रेस टू पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। फर्दर हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई रेस टू पावर माइनस टाइम्स एस माइनस ए टी, ठीक है दोस्तों, मैंने यहां सिर्फ माइनस कॉमन लिया है, ये दोनों पावर हमारी प्लस हो जाएंगी क्योंकि, ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर हमेशा प्लस हो जाती है। तो अभी क्या होगा, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस टाइम्स एस माइनस ए, और इंटीग्रेशन हमने सॉल्व जब किया तो ये हो गया हमारा एस माइनस ए टी जीरो टू इंफिनिटी, ये हमारी लिमिट्स होंगी, ठीक है। फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस टाइम्स एस अपॉन ए, इसको एस डी लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा ई रेस टू पावर माइनस इंफिनिटी एंड ई रेस टू पावर जीरो, ये हम जानते हैं जीरो हो जाएगा और ये हम जानते हैं वन हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली आएगा माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन, ये वाला माइनस वन, ठीक है, अपॉन एस माइनस ए, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस वन अपॉन एस प्लस ए, सॉरी नॉट एस प्लस ए, एस माइनस ए, ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ई रेस टू पावर एटी का लाप्लासियन क्या होता है, वन अपॉन एस माइनस ए। अब जल्दी से हम लोग चौथी प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे, तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, हमें फाइंड आउट करना है लाप्लासियन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी, ठीक है, हमें कॉस हाइपरबोलिक एटी का लाप्लासियन फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे करने वाले हैं, देखिए, सिंस कॉस हाइपरबोलिक एटी को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, ई रेस टू पावर एटी प्लस ई रेस टू पावर माइनस टाइम्स एटी अपॉन टू, अगर आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इसी को सब्सिट्यूट करेंगे, तो लाप्लासियन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी को मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूं, ठीक है ना। तो अभी ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर एटी डॉट ई रेस टू पावर माइनस टाइम्स एस टी डी टी ओवर अरेंज जीरो टू इनफाइनाइट प्लस इंटीग्रेशन ओवर अरेंज जीरो टू इनफाइनाइट ई रेस टू पावर माइनस एटी डॉट ई रेस टू पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है। इसे हम लोग फर्दर रिड्यूस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ओवर अरेंज जीरो टू इनफाइनाइट ई रेस टू पावर माइनस टाइम्स एस माइनस ए टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ओवर अरेंज जीरो टू इनफाइनाइट ई रेस टू पावर माइनस टाइम्स एस प्लस ए टी ऑफ डी टी, ठीक है। अभी हमने इसका लाप्लास कैलकुलेट किया है तो करना वैसे ही है सिंपली, तो इसका लाप्लासियन क्या होगा, वन अपॉन एस माइनस ए, और सिमिलरली जब हम इसे सॉल्व करेंगे ठीक इसी की तरह से तो इसका लाप्लासियन होगा वन अपॉन एस प्लस ए, इन दोनों को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारा एलसीएम हो जाएगा, एंड फर्दर सॉल्व करने पे हम लोग देख रहे हैं कि हमें मिल रहा है ये ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो शायद मुझे लग रहा है हम लोगों ने कहीं पर कुछ गलत कर दिया, यस दोस्तों ये नीचे टू था तो हम ये टू लिखना भूल गए, ये टू यहाँ पे भी होगा और ये टू यहाँ पे भी होगा, ठीक है, यहाँ पे भी हमें वन अपॉन टू, यहाँ पे भी हमें वन अपॉन टू, ये वन अपॉन टू डॉट वन अपॉन टू, वन अपॉन टू एंड वन अपॉन टू, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली हमें क्या मिलेगा, वन एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमने बेसिकली चार प्रॉपर्टी सॉल्व करी है, आगे इसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आशा करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।